नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया से रिलेटेड, यानी एग्जाम्पल है सऊदी अरबिया का। ये एग्जाम्पल कौन सा है मैं बता दूं कि बहुत सारी जनता के साथ में वहाँ पे आप रह रहे हैं, 1 करोड़ के समथिंग लोग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटना हो जाती है कि आपका वर्क परमिट जो अग्रीमेंट है वो 2 साल का 3 साल का है, आप अपना अग्रीमेंट कम्प्लीट कर लेते हैं, उनके बावजूद भी वहाँ के कुछ लोग हरामी होते हैं, आपके कफील मान लीजिए, आपके सेठ जी मान लीजिए, आपका मालिक मान लीजिए, आपकी कंपनी मान लीजिए, वो छुट्टी नहीं देना चाहती। एक श्रीलंकाई महिला के साथ जो अत्याचार हुआ है, मैंने एक वीडियो डाला था, उसका भी यही रीज़न था कि उसका काम पूरा हो गया, छुट्टी मांगी उसने कि मुझे मेरे देश भेज दीजिए, उसके साथ अत्याचार हुआ, उसको जला दिया गया, जी हाँ निशान पड़े हैं उसके ऊपर, फिर उनको अरेस्ट कर लिया पुलिस में, कुवैत की घटना थी। तो इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे, अगर आपके पास ऐसा हो जाए तो कुछ आपके पास कानूनी ऑप्शन बचते हैं, कुछ आपको हेल्प हो सकती है, तो उससे आप अपना समाधान कर सकते हैं। डिटेल से आगे से पढ़ने से पहले चाहूंगा, वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आप मान लीजिए सऊदी में रह रहे हैं, दो साल का अग्रीमेंट होता है सऊदी का, सबको पता है, अगर कोई भी मालिक आपका बेकार मिल गया, अच्छा मिलेगा तो आप दोबारा जाओगे, ये तय बात है, बेकार मिलता है तो ही आप दोबारा नहीं जाओगे, सैलरी कम दे रहा है या पूरी अच्छी सैलरी मिल नहीं मिल रही वगैरह वगैरह, कई प्रॉब्लम हो जाती है। अग्रीमेंट आपका पूरा हो गया, आपको छुट्टी नहीं दे रहा है वो, या फिर आपको वीजा कैंसिल नहीं करके दे रहा, आपका वीजा दोबारा रिन्यू करवाने की सोच रहा है वो, कि इसका दोबारा वीजा रिन्यू करवा देंगे तो इसके ऊपर दबाव बन जाएगा, ये फिर छुट्टी नहीं मांगेगा या वगैरह, कई अपनी दिमाग को लगाने की कोशिश करता है। आप ये चाहते हो कि मेरा अग्रीमेंट पूरा हो गया, मुझे घर जाना है, इस वीज़ा में दोबारा नहीं आना, और वो चाहता है कि आपको छुट्टी नहीं दूं, आपको फिनिश नहीं भेजूं, आपको कैंसिल नहीं भेजूं, आपको यहीं पे काम कराऊं, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। अगर वो आपके साथ मारता है, पीटता है, आपका शोषण करता है, ठीक है, आपको सैलरी वगैरह में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आप वहाँ नियरेस्ट पुलिस में उसकी शिकायत करें, ठीक है भाई, डरने से काम नहीं चलेगा। आप बहुत सारे लोग, मेरे पीछे 2-3 लोगों ने वीडियो डिलीट करवा दिए, उनकी फट गई पीछे से, पहले तो वीडियो डलवा लिया, फिर वीडियो डाला, मेरा कफील मुझे ये कर देगा वो कर देगा, सर जी प्लीज़ मेरा वीडियो डिलीट कर दो। अरे भाई इतना डरपोक हो तो फिर सोशल मीडिया पे ये आके बोलने की ज़रूरत कहाँ है यार, जो डरेगा वो मरेगा। आप विदेश की धरती पे जॉब कर रहे हो और आप डरोगे तो वो आपको ज़्यादा डराएगा, ये तय बात है, आप उनकी शिकायत करें। आपको अगर सैलरी नहीं मिल रही है टाइम पे, या फिर आपका वो छुट्टी नहीं भेज रहा है, आपका वीज़ा कैंसिल नहीं कर रहा है, दोबारा वीज़ा रिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इंडियन एम्बेसी जो लेबर इंडियन एम्बेसी में आपको कांटेक्ट करके, वहाँ की एक ईमेल आईडी है, मैं आप लोगों से ईमेल आईडी भी शेयर कर दूंगा, इस 2 ईमेल आईडी हैं ये लेबर से रिलेटेड हैं, जी हाँ, यानी ये अलग ही लेबर कोटे के लिए बनाई गई है, जो वर्कर हैं उनके लिए, तो आईडी का नाम भी लेबर ही लिखा है इसमें, तो 2 ईमेल आईडी हैं, इन पे आप पूरा बायोडाटा आप लिखोगे, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका कफील, कफील का एड्रेस, और उनकी क्या प्रॉब्लम है, आपका वर्क परमिट है उसका भी कॉपी साथ में अटैच कर दें। हमेशा याद रखें, वर्क परमिट की ये कॉपी आप ज़रूर रखें ताकि भविष्य में आपके काम आ सके। वो अटैच करके जो ईमेल आईडी मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इस ईमेल आईडी पे ये सेज के रखें भाई, किसी के भी काम आ सकती है। आप ईमेल करें, अपना कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल करें, ताकि इंडियन एम्बेसी जैसे आपसे दूर है तो वो उच्च मंत्रालय को संपर्क करके, या फिर आपके कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस भेज के आपके साथ कोई भी समस्या है तो उसका समाधान कर सके, या फिर जो आपका कफील है उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका पूरा एड्रेस, उसका आईडी प्रूफ उनको सेंड करें साथ में, ताकि इंडियन एम्बेसी उनसे कांटेक्ट कर सके। सबूत के आधार पे, एविडेंस की बात कर रहा हूँ कि भाई इसका अग्रीमेंट कंप्लीट हो गया तो आप उनको भेज क्यों नहीं रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, चेक कितना ही बड़ा 30 मार्क का हो, आप सबको देना पड़ता है। अब जब आप क्या देगा, जब काम कंप्लीट हो गया तो रोकने का मतलब क्या है भैया, सोचने की बात है ना। तो इन चीज़ों के आपका समाधान हो सकता है। अब कुछ लोग कमेंट कर लेंगे, सर जी ये नहीं होता, वो सब होता है भाई, थोड़े में टाइम लग जाता है, कईयों में होता तो सबके साथ है, ये तो नहीं है कि कोई आदमी वहीं गया और वहीं रह गया लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, कईयों में टाइम ज़्यादा लग जाता है, कईयों में थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, लेकिन हेल्प कौन करेगा, ओनली फॉर इंडियन एम्बेसी। ये तो 2 मेल आईडी हैं, इसको आप रखें, ये कभी भी आपके काम आ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए ताकि अगर ऐसी कोई घटना हो तो आप इन पर मेल कर सकें, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।